फ्रेंड्स, इट्स मी विशाखा चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है पापा जी का बर्थडे। और मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ और हम लोग पापा जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं आज, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। पापा जी को क्या गिफ्ट दिलाएंगे एंड कैसे सेलिब्रेट करेंगे पापा जी का बर्थडे, वो पूरा का पूरा आप लोग इसमें देखना, व्लॉग एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मैं आज खाने में क्या क्या बना रही हूँ वो भी देखने को मिलेगा। और बहुत कुछ तो नहीं बना पाऊँगी ऑफकोर्स, क्योंकि पूर्वी की है तबीयत ख़राब, बट जितना भी बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बहुत सारी बातें नहीं करते हैं और चलो तैयारियाँ करते हैं खाने की और देखते हैं कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया है। चलो फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते में बनाया था मैंने सैंडविच एंड ये है दोपहर का खाना। तो यहाँ पे मैंने बनाया है मिक्स रायता और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल रायता, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया है पनीर जो कि काफ़ी यम्मी बना था, अपनी तारीफ खुद से ही। और यहाँ पे प्लेट हो गई एकदम रेडी और पापा जी को मैंने खाया, पापा जी ने अच्छा रिव्यू दिया, मतलब पनीर अच्छा बना था। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट शाम को हम लोग मिले और ये लेके आए थे पूर्वी के पापा पापा जी के लिए केक, तो वही हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और अभी केक होने वाला है ओपन। और आप लोग बताना कि आप लोगों को केक कैसा लगा देख के, मतलब बहुत अच्छा था, अच्छा था कि मीडियम था, ऐसा करके बताना कुछ, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे माय पापा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूर्वी भी कह रही थी वाह मम्मा कितना सुंदर सा केक है ना, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। यहाँ से ये लेके आए थे मियामोरे से केक और पापा जी काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सेलिब्रेट करते हुए ना। बस मम्मी जी की कमी खल रही थी क्योंकि मम्मी जी संडे में चली गई हैं फिर से गजरोला, क्योंकि मम्मी जी को दिखाना है डॉक्टर को, उनके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो उनको दिखाना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केक कट किया एंड पापा जी बहुत खुश थे। पूर्वी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सुबह से गाना गाते घूम रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दादू ऐसे करके गाना गा रही थी पूरा, मतलब उसने 50 टाइम बोला होगा पापा जी को हैप्पी बर्थडे दादू, हैप्पी बर्थडे दादू ऐसे करके, पूरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर हम लोग ना चारों ही मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन के हैं। एंड यहाँ पर ना क्या है ना यार, बच्चों के लिए माँ बाप तो करते ही रहते हैं लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही वाली फीलिंग जो है ना वो ग्रेट फीलिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जो पापा जी के लिए मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने खिलाया, ये देखो मैं कितना हंस भी रही हूँ, अभी पापा जी मेरे को खिलाएंगे और फिर हम लोग उसके बाद यहाँ पे केक वेक खा के, मम्मी जी और दीदी को हमने कॉल वीडियो कॉल पे लिया हुआ है तो उन लोगों को भी यहाँ पे पापा जी केक खिलाएंगे। ये मम्मी जी को खिला रहे हैं, फिर उसके बाद दीदी को खिलाएंगे, दीदी के बेटे को खिलाएंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने सेलिब्रेट किया एंड फिर उसके बाद हम लोग गए थे बाहर, तो बर्थडे पार्टी तो बनती थी तो हम लोग गए थे बाहर खाना खाने और शॉपिंग करने। तो चलो हमने क्या लिया, पापा जी बहुत मना कर रहे थे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग को ज़बरदस्ती ले गए। और यहाँ पे हम चारों ही मैचिंग हो रहे हैं आज, दिखाऊंगी आप लोगों को। ये दो को देख लिया है पापा जी और पूर्वी, ये गए अंदर और ले लिया उन्होंने, ले गए। चलो 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 ऊपर चलो, सीधा सीधा सीधा, चल बेटा।
तो पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पे पापा जी को गिफ्ट दिलाने के लिए, बहुत मना कर रहे थे पापा जी, लेकिन हम लोग ले ही आए। एंड यहाँ पे यार बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब 149 में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, शूज और स्लीपर्स वगैरह देखने की, बच्चों के मिल जाएंगे, मैन वुमेन ऑल, तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। अगर आपके शहर में भी है तो जाओ और ट्राई करो एक बार, एंड मेरे साथ शेयर करना अपना एक्सपीरियंस। एंड फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम लोगों ने लिया सारा कुछ, जो भी कुछ हमें लेना था, पूर्वी के लिए भी लिया, पापा जी के लिए ऑफ कोर्स लेना ही था, एंड इन्होंने भी लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग गए खाना खाने ये काके दी हट्टी में, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे जो खाना मिलता है बहुत टेस्टी मिलता है, ना ज़्यादा मसाले रहते हैं ना कुछ। पापा जी को पसंद आया यहाँ का खाना। यहाँ पे चारों और पूर्वी यहाँ पे आके बहुत मस्ती करती है, क्योंकि यहाँ की जो वेटर हैं, जो दीदियाँ हैं, वो इसके साथ ना अपना काम वाम छोड़ के इसके साथ खेलने शुरू कर देती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है हमेशा बेबी कॉर्न, क्योंकि पूर्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और कुछ इस तरीके से आज का जो दिन था हमने सेलिब्रेट किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पापा जी को तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। तो बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय फ्रेंड्स।